हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.4 का थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ और इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसकी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जो ये साइड है वही ये भी है। एक बार फिर से क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया। अच्छा, इसका एरिया जो है वो हाफ है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर मैं इसके डायगोनल पे, ये स्क्वायर का डायगोनल है, इस डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूँ, कुछ पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं, लेट अस से इसको कह देते हैं हम पी, इसको कह देते हैं क्यू। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि इसका एरिया हाफ है इसके एरिया के। ठीक है, ये मुझे शो करना है। तो काफ़ी आसान होने वाला है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से डील करना बहुत आसान होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट्स, तो ये भी ए, 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 ये भी ए। ठीक है, और अब डायगोनल, डायगोनल निकालते हैं इसका ए सी। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये कैसा है ना, तो ये ए सी है, ये हमको पता नहीं है, ये ए है और ये भी ए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, तो ए सी स्क्वायर हो गया 2a². अब स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इधर √2a आ जाएगा, यानी ए सी आपका √2a है। ठीक है, अब अगर ए सी √2a है तो ये भी √2a होगा और ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी तीनों साइड्स √2a हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी क्यू, दोनों सिमिलर हैं। क्या कारण है, कारण है ए ए ए क्राइटेरियन या ए ए क्राइटेरियन। आपको पता है कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सेम है, 60 है, इसका भी तीनों एंगल 60 है, इसके भी तीनों एंगल 60 है, तो तीनों 60 होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ए ए ए। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा समझाना है तो बिकॉज ईच एंगल इज 60, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो थ्योरम के हिसाब से एरिया ए डी पी और एरिया ए सी क्यू, इनके जो साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब ए डी कितना है, ए है, और ए सी कितना है, वो √2a है। ए से कट गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो इसका आंसर है 1/2। ठीक है जी, काफ़ी आसान था क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 8 कहता है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके चलिए ठीक है। सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज।
तो बना लेते हैं एक बार। तो सपोज कीजिए ये आपका ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बोला उसने, तो डी यहाँ कहीं पर आ रहा है। और फिर ये कहता है कि बी डी ई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बी डी तो मुझे मिल गया यहाँ पर, ई पर बना लेते हैं, ई ई ओके। तो ए बी सी और बी डी, अब इनके एरियाज का रेशियो मुझे बताना है। तो देखो बेटा, अब साइड ए बी बी सी और ए सी, ये सब तो ए यूनिट्स हैं, सब ए है, तो बी डी तो इसका हाफ होगा क्योंकि बी डी डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी बी सी का हाफ होगा, तो बी डी हाफ ए हो गया, और इसीलिए बी ई भी हाफ ए और ई डी भी हाफ ए हो जाएगा, राइट। और जैसा अभी बताया, दोनों सिमिलर भी हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल हैं, तो ए ए क्राइटेरियन से, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ये सिमिलर तो हैं ही। तो अगर मुझे कोई कहता है कि इनका रेशियो बताइए, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई, आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी का स्क्वायर, थ्योरम कहती है ना। तो ए बी तो आपका ए है और बी डी हाफ ए है, तो ए से ए कट जाएगा और 1/1/4 आ जाएगा। अब इस 4 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, ऐसे आ गया, इस 4 को ऊपर ले जाइए तो आंसर आ जाएगा 4:1, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अभी 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं सीबीएसई में, तो रेडी रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9, इसके लिए क्यों पेज वेस्ट करें, तो छोटा सा है, यहीं देखेंगे। तो दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स का रेशियो 4:9 है, तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो हमको पता है साइड्स का रेशियो अगर दिया है, आप उनका स्क्वायर कर लीजिए तो आपको उनके एरिया का रेशियो पता चल जाएगा। तो आंसर है 16:81, ठीक है जी। साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपसे, कह रहे हैं एरिया का रेशियो बताओ, तो साइड्स के जो रेशियो दिया है उसका स्क्वायर करने पे ही वो एरिया का रेशियो आता है, तो एरिया का रेशियो 16:81 हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, सारा काम कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू।